सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के नोट बगैर किसी मजाज शनाख्ती सबूत के बदलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर एक बार फिर समाप्त करने से इंकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस राजेश बंदल की तातलाती बेंच ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की अर्जी पर जल्द समाप्त की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। बेंच ने कहा कि अदालत के जरिए इस मामले में गुज़िश्ता 1 जून को दिए गए हिदायत पर अमल किया जाए, जिसमें गर्मियों की तातलात के बाद समाप्त करने पर इतफाक किया गया। इससे कबल जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस के वी विश्वनाथन की तातलाती बेंच ने उपाध्याय की तरफ से दायर अपील की जल्द समाप्त के लिए फहरिस्त बंद करने से 1 जून को इनकार करते हुए कहा था कि दरख्वास्त गुजार गर्मियों की छुट्टियों के बाद चीफ जस्टिस के सामने इस मामले का जिक्र कर सकते हैं।